हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सेल्फ श्याम सिंह रावत असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टुडे हेयर वी विल डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर फेरस मटेरियल्स जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर फेरस मटेरियल्स जिसमें आपके कास्ट आयरन रॉट आयरन और पिग आयरन का प्रोडक्शन आपने देखा ठीक है इससे पहले तक आपका जो प्रीवियस आपके वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आपके मिलर मिलरेंडाइसिस एंड क्लास बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स और इससे पहले वाली वीडियो में आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ हेरस मटेरियल्स ठीक है तो इसी को आप कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपके पिग आयरन कास्ट आयरन और रोट आयरन कंप्लीट हो चुका है लेकिन फेरस मटीरियल्स की एक कैटेगरी और बचती है वो आपकी स्टील्स ठीक है तो स्टील्स का मैनुफैक्चर कैसे करते हैं अपन स्टील का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने बताया था ठीक है तो उसको आगे अपन देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की जो स्टील्स हैं उनको मैनुफेक्चर किया जाता है तो बेसिकली आयरन ओर से जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो आपका पिग आयरन बनता है ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या था कि जो आयरन हो रहा है हेमीटाइट या मैग्नेटाइट उसमें आप कोक लाइमस्टोन ऐड करके उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मेल्ट करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वहाँ पिग आयरन ठीक है तो स्टील्स के और कास्ट आयरन और रॉट आयरन के प्रोडक्शन के लिए पिग आयरन आपका क्या है इनिशियल रॉ मटेरियल है ठीक है तो आयरन को लेके उसके साथ कुछ स्क्रैप्स जो हैं वो ऐड करते हैं इसके साथ आपके डिफरेंट अलाउंग एलिमेंट भी ऐड करते हैं जिससे जो इम्प्यो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्रूव हों ठीक है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट भी ऐड करते हैं जिससे पिगारन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कार्बन परसेंटेज है साथ में आपके सल्फर है ठीक है मैगनीज़ है और जो स्क्रैप आप ऐड कर रहे हैं उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको रिमूव करने के लिए अपने कुछ ऐसे एलिमेंट भी करते हैं जिससे वो रिएक्ट करके स्लैग के फॉर्म में आज ऊपर आ जाए और उसको आप स्लैग होल से आसानी से बाहर निकाल लें ठीक है तो यहाँ पे आप स्टील का प्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है डिफरेंट फर्नेसेज हैं इसके प्रोडक्शन के लिए ठीक है तो वहाँ पे आपने देखा कि कास्ट आयरन के, के प्रोडक्शन के लिए कपोला फर्नेस है पिग आयरन के प्रोडक्शन के लिए ब्लास्ट फ़र्नेस के अंदर मेल्ट किया जाता है आयरन ओर को और रॉट आयरन के प्रोडक्शन के लिए आप किसका यूज करते हैं पडलिंग प्रोसेस या रिवर्बरेटरी फ़र्नेस का ठीक है तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो इसमें आपके प्रीक्साइड पॉइंट्स जो कि बेसिक जो आपकी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको और डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि किस मटेरियल का कितना मेल्टिंग टेम्परेचर है तो आसानी से जो आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरस मटेरियल्स की स्टडी कर रहे हैं वो समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पे कंटेंट देखें आप इंट्रोडक्शन टू स्टील्स स्टील्स क्या हैं टाइप्स ऑफ मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर स्टील्स जिसमें आपकी बेसमर कन्वर्टर है ठीक है एंड एलडी डी कन्वर्टर ओपन अर्थ फर्नेस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड इंडक्शन फर्नेस तो पांच प्रोसेस हमने इस वीडियो में कंसिडर किए हैं जिनकी स्टडी करेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पे आप पिग आयरन से स्क्रैप से अलंग एलिमेंट को ऐड करके जो डिफरेंट टाइप्स की स्टील्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं ठीक है तो बेसिकली पिग आयरन के अंदर क्या रहता है जो कार्बन का परसेंटेज है फोर से लेकर सिक्स के आसपास रहता है ठीक है तो वहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसको रिमूव करके आप रेंज में लाते हैं पॉइंट थ्री से ले कर तो टू पॉइंट ज़ीरो थ्री के बीच में क्योंकि स्टील की रेंज क्या है पॉइंट थ्री टू टू पॉइंट जीरो थ्री ठीक है तो यहाँ तक कार्बन का परसेंटेज रहता है तो वो स्टील कहलाता है ठीक इस है इससे ज़्यादा जाते हैं तो कार कास्ट आयरन या पिगरन आपका आ, कहलाएगा ठीक है तो उस कार्बन परसेंट को आप रिमूव करते हैं डिफरेंट एलिमेंट ऐड करके डिफरेंट आपकी एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई देके, दे ठीक है तो इसके लिए ये आपकी बेसिकली फाइव टाइप की आ, जो फर्नेस हैं जिसमें आप स्टील का प्रोडक्शन करेंगे ठीक है उसके बाद आपका एक्सरसाइज या कुछ ऐसी जो वीडियो है इस पर बेस्ड इस इन पॉइंट्स पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं एक पेज पे आप उनको सॉल्व कीजिए और उस पेज को अपलोड कीजिए आप एलएमएस पे ठीक है उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम्स कि क्या उसके लर्निंग आउटकम्स होंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक तो बेसिक नॉलेज आएगी स्टील्स के बारे में और डिफरेंट उसकी फर्नेसेस के बारे में कि किस तरीके से स्टील का प्रोडक्शन करते हैं आप ठीक है और इसके साथ साथ आप सीखेंगे कि किस तरीके से स्टील का प्रोडक्शन होता है ठीक है जैसे आप देखें कि जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बेसिक प्रोसेस यही स्टील का प्रोडक्शन करना होता है जैसे टाटा स्टील देखें या आपकी विजाग स्टील है या मैग्नम स्टील है या आपकी यहाँ लोकल में देखें तो ये जो बेसिक आपकी स्टील्स इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही प्रोसेस आपकी परफॉर्म होती है कई इंडस्ट्री ऐसा करती हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस भी रहती है उससे पिग आयरन का प्रोडक्शन करते हैं आयरन ओर के थ्रू फिर आयरन ओर से आप उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं और कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जो स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल पिग आयरन के इनगट्स को वो बाहर से आ, सप्लाई बना सप्लाई लेती हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके द्वारा रीमेल्टिंग करके उसमें से स्टील के प्रोडक्ट बनाती हैं ठीक तो यही प्रोसेस उन इंडस्ट्री में परफॉर्म होती है ठीक है तो ये आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट स्टील्स को ठीक है तो ये आपकी प्रियोक्साइड पॉइंट्स तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरस मटेरियल्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स कास्ट आयरन आयरन एंड आयरन ठीक है जिसमें आप आयरन का प्रोडक्शन देख चुके हैं कास्ट आयरन का प्रोडक्शन देख चुके हैं आयरन का प्रोडक्शन देख चुके हैं ये आपका बेसिक फ्लो चार्ट है जो आपके फेरस मटेरियल्स हैं उनकी मैनुफैक्चरिंग का ठीक है जिसमें आयरन ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस विथ कोक एंड लाइम तो वहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा पिगायरन दूसरा पिगायरन को द्वारा रिमेल्टिंग करेंगे कपोला फर्नेस के अंदर विद कोक एंड लाइम तो क्या मिलेगा वहाँ पर कास्ट आयरन पिगायरन को आप पडलिंग फर्नेस के अंदर या रिवेबरेटरी फर्नेस के अंदर मेल्ट करेंगे और साथ में आप ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई देंगे मेल्ट में तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा रोट आयरन ठीक है अब स्टील के प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फर्नेसेज हैं जैसा कि मैंने बताया बैसे मारा ओपन अर्थ है इलेक्ट्रिक है बेसिक ऑक्सीजन पर से फर्नेस है इंडक्शन फर्नेस है ठीक है इन सभी का यूज करके आप स्टील का प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है तो पिग आयरन के साथ साथ यहाँ पर स्क्रैप भी ऐड करना पड़ेगा फ्लक्स का भी यूज होगा जो आप लाइम या दूसरे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं वहाँ पर ठीक है और साथ में कुछ अलोइंग एलिमेंट्स जिससे स्टील की प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हों वो भी आप ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ये डिफरेंट आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर स्टील्स तो सबसे पहले स्टील होता क्या है स्टील्स इसेंशियली अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन जिसमें कार्बन का परसेंटेज पॉइंट थ्री से लेकर टू पॉइंट जीरो थ्री के बीच में रहता है तो आयरन और कार्बन का अलॉय है ये और कार्बन का परसेंटेज पॉइंट थ्री से लेकर टू पॉइंट जीरो थ्री के बीच में है तो आप इसको स्टील बोलेंगे ये जनरली आपका डक्टाइल एंड फॉर्मेबल होता है मेलेबल होता है कि आसानी से डिफॉर्म करके आप उसे डिफरेंट जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो बढ़िया स्टील मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें आपकी बेसमर कन्वर्टर है एल डी कन्वर्टर है ओपन अर्थ है इलेक्ट्रिक आर्क है एंड इंडक्शन है ओके तो सबसे पहले ये आपका टाइप्स ऑफ स्टील मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस जैसा कि बताया मैंने तो ज़्यादा स्पेसिफिक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है एक दूसरी फर्नेस को जैसे अपन बेसिमर कन्वर्टर की बात करें और एलडी कन्वर्ट कन्वर्टर की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है इसमें केवल बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है सिंपल एयर की सप्लाई देती है होती है हॉट एयर की और एल डी कन्वर्टर में आप डायरेक्टली ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं ठीक है तो थोड़ी सी प्रोडक्शन रेट वहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है कॉस्ट कम लगती है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ठीक है मॉडिफिकेशन है बेसिमर कन्वर्टर प्रोसेस का तो सबसे पहले देखें आप बेसिमर कन्वर्टर तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक स्टील का आ, सेल है वैसल है इस, जो आपकी बेसेमर कन्वर्टर जो प्रोसेस है उसमें आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है कन्वर्जन होता है आयरन का स्टील के अंदर ठीक है ये आपके एक हेनरी बेसेमर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अठारह में इसका इन्वेंशन किया था ठीक है तो सिंपल एक स्टील का वेसल है ठीक है जिसको आप एक ही जो टॉप है वहाँ से वो ओपन है और इसको टिल्ट किया जा सकता है जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ठीक है इसको टिल्ट किया जा सकता है और जो स्टील की प्लेटेड सेल है उसके इनर पार्ट पर आपकी रिफेक्ट्री मटेरियल की लाइनिंग है ठीक है जिससे कि वो मेल्ट ना हो ठीक है तो यहाँ पर सिंपल दूसरी फर्नेस के अंदर मटेरियल को मेल्ट किया जाता है जैसे आपकी देखा कि पिगायरन के पेगायरन पेग का प्रोडक्शन कहाँ होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर तो पिक आयरन वहाँ से लिक्विड फॉर्म में लिया कास्ट ना करके आपने डायरेक्टली बेसिमर कन्वर्टर में ट्रांसफ़र कर दिया ठीक है और इसमें कुछ एलिमेंट ऐड किए आपने ठीक है और आपने सप्लाई दी हॉट एयर की टायर्स के थ्रू ठीक है हाई प्रेशर के साथ सप्लाई होगी तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगी जो पिगायरन मोल्टन आयरन है उसमें से जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन के साथ रिएक्ट करके जो हॉट गैसेस के फॉर्म में धुएं के फॉर्म में जो आपका टॉप जो जो टॉप है बेसल का या जो बे, बेसिमर कन्वर्टर का वहाँ से बाहर निकल जाएगा ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो डाउन होगा ठीक है तो जब तक आप इसको करते हैं कि वो स्टील के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए मतलब जो स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज है उस रेंज में ना आ जाए ठीक है और दोबारा इसको टिल्ट करके आप कास्ट कर लेते हैं तो जो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या है स्टील ठीक है तो ये सिंपल आपका बेसिमर कन्वर्टर जो कि कन्वर्ट करता है पिगारन को स्टील के फॉर्म में ठीक है अब दूसरा पॉइंट देखें एल डी कन्वर्टर एल डी कन्वर्टर आपका इसको आप ऑक्सीजन कन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे आप केवल चेंज क्या कर रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है बेसेमर कन्वर्टर में ठीक है एल डी कन्वर्टर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है एल डी एंड डोनाविस ठीक है इन्होंने इस बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर को इन्वेंट किया तो बेसिकली ये बेसमर कन्वर्टर का मॉडिफ़िकेशन है ठीक है जिसमें क्या रहता है आपकी जो एयर की सप्लाई है वो टायर्स के थ्रू हो रही थी यहाँ पे अलग से एक लेंस लगा दिया ऑक्सीजन लेंस उसके थ्रू आप ऊपर से जो टॉप टॉप है आपका एलडी कन्वर्टर का वहाँ से सप्लाई देते हैं ठीक है और यहाँ पे टैप होल अलग से बना दिया कि जो चार्जिंग हो रही है वो अलग है और जो टैप होल है वो अलग है और एडिशन ऑफ फ्लक्सेज या अदर अलंग एलिमेंट उसके लिए अलग पैसेज बना दिया ठीक है और ये रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग का आपका वेसल है स्टील का ठीक है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया बेसिमर कन्वर्टर का जिसमें एयर की जगह आपने ऑक्सीजन की सप्लाई दी तो ज़्यादा रिएक्शन होगी प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगी ठीक है और जो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल आप लेबर की बात करें टाइम की बात करें कॉस्ट की बात करें तो वो सब कुछ रिड्यूज़ होगा ठीक है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये आपकी ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस इन दोनों पर जो प्रोसेस हैं इसमें अभी मेल्टिंग नहीं होती है इन दोनों में जो आयरन मेल्टेड आयरन है वो इसमें सप्लाई करते हैं आप और उसमें जो मोल्टेड आपका आयरन है उसमें अपन यहाँ पे क्या करते हैं ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई देते हैं दोनों प्रोसेस में ठीक है रिएक्ट करके केवल रिडक्शन हो रहा है कन्वर्जन हो रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पर मेल्टिंग नहीं होती इन दोनों फर्नेस में ठीक है तो ये आपकी एल कन्वर्टर अब है ओपन अर्थ फर्नेस ओपन अर्थ फर्नेस के अंदर मटेरियल की मेल्टिंग करवाई जाती है ठीक है जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है ऑयल बर्नर लगे हुए हैं दोनों एंड्स पे ठीक है कोई एक बर्नर यहाँ पे आप ओपन कर चालू रखते हैं ठीक है जिससे मटेरियल मेल्ट होता है और साथ में आप एयर की सप्लाई देते हैं वो एयर क्या करती है वो जो आपका मोल्टेड आयरन है उसको उसके साथ रिएक्ट करती है और वही प्रोसेस जैसा कि आपकी बेसेमर कन्वर्टर में थी या आपकी ऑक्सीजन कन्वर्टर में थी वही प्रोसेस यहाँ होगी कि जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट करेगी पिग आयरन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उससे ठीक है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के उसको बाहर निकालेगी चिमनी के थ्रू ठीक है तो यहाँ पे मटेरियल आपका मेल्ट होता है ठीक है इन ओपन अर्थ फर्नेस एक्सेस कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज़ आर बर्न आउट ऑफ पिग आयरन टू प्रोड्यूस स्टील ठीक तो बेसिकली जो बेसिमर कन्वर्टर है या ऑक्सीजन कन्वर्टर है उसके यहाँ पे एडवांटेज देखें तो क्या है? बेसिकली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है वो वहाँ पे बेसिमर कन्वर्टर के अंदर क्या करती है डिफेक्ट करती है आपकी स्टील को हार्ड ऑबरेटल बनाती है तो यहाँ पर वो नाइट्रोजन आपकी रिफाइन हो जाएगी और आपका मटेरियल सॉफ्ट एंड डटाइल बनेगा ठीक है और इसके साथ साथ यहाँ पे मेल्टिंग भी कर रहे हैं तो स्क्रैप आयरन आप ऐड कर सकते हैं साथ में आप अलॉंग एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं ठीक है मेल्टिंग कर सकते हैं उनकी तो ये आपकी ओपन अर्थ फर्नेस ठीक है इसके बाद है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ठीक है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अंदर भी आप मेल्टिंग करते हैं इससे पहली वाली जो बेसिमर और एल डी कन्वर्टर थी उसमें आपकी मेल्टिंग नहीं नहीं हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क अंदर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अंदर और ओपन अर्थ फर्नेस के अंदर मेल्टिंग होगी तो यहाँ पे मेल्टिंग का जो जनरेट हीट जनरेट करने का तरीका है वो अलग है ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे आप इलेक्ट्रिक की सप्लाई देंगे थ्री फेज इलेक्ट्रिक की सप्लाई होगी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ठीक है और इलेक्ट्रोड्स और जो चार्ज है आपका मतलब पिगा आयरन या स्क्रैप है उसके बीच में आप गैप मेंटेन करेंगे और जो इलेक्ट्रिक आर्क बेल्डिंग की तरह वहाँ पर क्या होगा आर्क प्रोड्यूज होगी आर्क प्रोड्यूज होगी तो क्या होगा हीट जनरेट होगी हीट जनरेट होगी तो जो चार्ज है, जो है, या जो मटेरियल है स्क्रैप या आयरन है वो मेल्ट होगा ठीक है और इसके साथ साथ यहाँ पे आप अलवेंगे एलिमेंट ऐड करेंगे और डिफरेंट जो फ्लक्स है वो यूज करेंगे जिससे मटेरियल आपका रिफाइन हो ठीक है इन एन आर्क फर्नेस द चार्ज इज मेल्टेड ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय आर्क बिटवीन ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स एंड द चार्ज तो चार्ज यहाँ पे पिगायरन प्लस स्क्रैप और प्लस आपका फ्लक्स और एंड अदर अलोइंग एलिमेंट्स जो कि प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप उस स्टील के अंदर एड कर रहे हैं ठीक है देर आर थ्री इलेक्ट्रोड्स फिट डायरेक्टली फ्रॉम द थ्री फेज सप्लाई फ्रॉम ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिक फर्नेस इज़ इन फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल वेसल ऑफ़ फायर ब्रिक्स दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस जो कि आपकी ए सी सप्लाई या डी सी सप्लाई रहती हैं ठीक तो यहाँ पर सिंपल एक रिफेक्टिव लाइंड सेफ हर्त है ठीक है उस हर्त में ही आपका मटेरियल मेल्ट होगा एक साइड में आपका चार्जिंग डोर है वहाँ से मटेरियल की चार्जिंग करेंगे आप स्क्रैप मटेरियल हो चाहे कोई एडिशन हो ठीक है एलिमेंट्स का या फ्लक्स की सप्लाई हो तो इस तरीके से आप हर्ट को पहले से फुल फुली भर लेंगे ठीक है और ऊपर जो गैप दिखाई दे रहे हैं कवर के और जो आपकी परमानेंट रिफ्रेक्ट्री लाइनिंग है उसके बीच में वो एटमॉस्फेयर में आपकी जो चिमनी के थ्रू हॉट गैसेज हैं उसकी सप्लाई के लिए ठीक है और ये आपकी जो हर्त है वो टिल्ट हो जाती है ठीक है टैपिंग होल जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसे होगा ये आपकी टिल्ट हो जाएगी और टैपिंग होल के थ्रू मटेरियल आपका लेडल में या कुर्सीबल में आप सप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आपके ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि थ्री फेस सप्लाई से कनेक्टेड हैं और ये आपके इलेक्ट्रोड्स अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं ठीक है मूव करेंगे तो तभी वहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप गैप मेंटेन कर पाएंगे ठीक है और आर्क प्रोड्यूस होगी आर्क प्रोड्यूज होगी जो कि डायरेक्टली मटेरियल को मेल्ट करेगी क्लियर तो ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ठीक इसके बाद है इंडक्शन फर्नेस ठीक जो कि स्पेशली स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं सिंपल आ, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे अपन इसका यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस का ठीक तो यहाँ पे जो मेल्टिंग करने का तरीका है जो हीट जनरेट करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है सिंपल ओपन अर्थ में क्या कर रहे थे आप ऑयल बर्नर के थ्रू हीट जनरेट कर रहे थे सेकंड आपकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो चार्ज है उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रही थी उस आर्क से हीट जनरेट हो रही थी इंडक्शन फर्नेस में क्या होगा जो इलेक्ट्रिक आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण हीट जनरेट होगी उसके बीच में कोई रजिस्टेंस आएगा मटेरियल का जो चार्ज रहेगा फ्लक्स को कट करेगा तो हीट जनरेट होगी रेजिस्टेंस करेगा तो हीट जनरेट होगी ठीक है तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है सिंपल एक कुर्सीबल है कुर्सीबल के चारों ओर एक आपकी लाइनिंग है जो कि ट्यूब है कुर्सीबल कॉपर कोयल्स हैं इंडक्शन कोयल्स हैं ठीक है, है तो कुर्सीबल के चारों ओर क्या है कॉपर इंडक्शन कोयल्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों की सप्लाई देंगे ठीक है वाटर कूलिंग होसेस रहेंगी और साथ में पावर लीड्स रहेंगी ठीक है तो हाई फ्रिक्वेंसी करंट की सप्लाई देते हैं यहाँ पर तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वहाँ पर जब तक आप कोई मटेरियल नहीं रखेंगे रेजिस्टेंस नहीं करेंगे तब तक वहाँ हीट जनरेट नहीं होगी ठीक है तो जैसे ही आप कास्ट आयरन या स्टील इसमें रखेंगे कुर्सीबल के अंदर आपका मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें एडिशन कर सकते हैं अलॉन्ग एलिमेंट्स का फ्लक्स इसमें डाल सकते हैं इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सिलेक्टिव फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं ठीक है तो ये आपकी स्पेशली स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए इंडक्शन फर्नेस है इन एन इंडक्शन फर्नेस द चार्ज इज मेल्टेड ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट्स दैट इज करंट्स फ्लोइंग इन द चार्ज आर इंड्यूस्ड करंट्स ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग थ्रू द चार्ज ठीक द हाई फ्रिक्वेंसी फ्लक्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाई फ्रिक्वेंसी करंट फ्लोइंग इन ए वाटर कूल्ड कॉयल कॉल्ड इंडक्शन कॉयल विच गेट्स इट्स थ्री फेज ए सी सप्लाई ठीक है जैसा कि आपको क्रॉस सेक्शन व्यू इसमें दिखाया है एक कॉर्नर पर आपने काट दिया है तो अंदर का कुर्सीवल प्लस उस कुर्सीवल के चारों और जो कॉपर की कॉयल्स हैं वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है और ये भी जो आपका पूरा आ, सिस्टम है वो टिल्ट होता है ठीक है जैसा कि पोरिंग स्प्रू इस, इस आपको स्पाउट दिखाई दे रहा है तो वहाँ से इसको टिल्ट करके सामने से आ, जो कुर्सीबल है या जो आपका लेडल है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं इस लिक्विड मटेरियल को लिक्विड स्टील्स को ठीक है तो ये आपका इंडक्शन के थ्रू हीट जनरेट होती है तो ये इंडक्शन फर्नेस इस ये तो आपका सिंपल एक सिस्टम है जिसमें कुर्सीबल और जो आ, आपकी जो कोयल हैं इंडक्शन कोयल वो दिखाई दे रही हैं और सिंपल आपका रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग और रिफ्रैक्ट्री जो बॉक्स है वो आपको दिखाई दे रहा है और टिलटिल टिल्टिंग अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसके साथ एक हाई फ्रिकुनसी मशीन रहती है इंडक्शन मशीन रहती है जिससे आप सप्लाई देते हैं जो करंट है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी करंट की ठीक है वो एक भी इसका एक सिस्टम का पूरा प्रॉपर एक पार्ट है उससे हाई फ्रिक्यवेंसी करंट की आप सप्लाई देंगे और उस मटेरियल को आप वहाँ पर मेल्ट करेंगे ठीक है तो ये आपकी हुई इंडक्शन फर्नेस ठीक है ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि इन सभी फर्नेस फर्नेसेस के ऊपर वेस्ड है इसमें पांच क्वेश्चन हैं आपके स्टील इज़ अलॉय ऑफ ऑप्शन दिए हैं इसमें से बताना है आपको कार्बन परसेंटेज इन स्टील्स प्रोडक्ट ऑफ एल डी फर्नेस वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल डी एंड बेसमर कन्वर्टर तो ये सभी पॉइंट्स आपको एक सिंपल पेज पर लिखने हैं ठीक है ठीके? और उसको पी डी एफ में कन्वर्ट करके आपको जो एल एम एस है आपका उस पर अपलोड करने हैं ठीक है ठीके? तो हर सटरडे इस इन सभी का असेसमेंट होगा कि किस तरीके से आपने स्टडी किया और हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको दिए जा रहे हैं तो टाइम टू टाइम या डे बाय डे आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व uh, करने हैं और अपलोड करने हैं एलएमएस पे ठीक है तो जितने भी वीडियो हैं वो फ्राइडे तक आप इसको अपलोड किया कर दें जिससे सैटरडे के दिन आपका असेसमेंट होगा कि कितने क्वेश्चंस किस तरीके से आपने स्टडी किए वो पता चलेगा ठीक है तो इस वीडियो में आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेसेज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग स्टील्स ठीक है तो फेरस मटेरियल्स में स्टील के लिए डिफरेंट फर्नेसेज हैं जिनका यूज़ करके आप मैनुफैक्चर कर सकते हैं स्टील्स का इसके साथ साथ कुछ ऐसी फर्नेसेज हैं जिसमें आप नॉन फेरस मटेरियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं मेल्टिंग कर सकते हैं ठीक है प्रोडक्शन कर सकते हैं नॉन फेरस मटेरियल्स का तो यहाँ पे आपका जो मैनुफैक्चरिंग ऑफ फेरस मटेरियल्स फर्स्ट और मैनुफैक्चरिंग ऑफ फेरस मटीरियल सेकेंड इन दोनों में कास्ट आयरन का प्रोडक्शन पिग आयरन का प्रोडक्शन रोट आयरन का प्रोडक्शन और स्टील का प्रोडक्शन ये कंप्लीट होता है ठीक है तो बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे आ, मिल गई है कि किस तरीके से आप डिफरेंट जो फर्नेसेज हैं उनका यूज कर सकते हैं ठीक है चाहे आप किसी भी स्टील इंड, इंडस्ट्री में जाएं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो बेसिक नॉलेज आपको जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं वो आपको पता चल गए हैं ठीक है कि किस तरीके से पिगायरन का प्रोडक्शन होगा किस फर्नेस के अंदर होता है क्या प्रोसेस रहती है कहाँ से पिगारन बनता है या कास्ट आयरन का इनिशियल प्रोडक्ट क्या है कास्ट आयरन किस प्रोसेस से बनता है किस फर्नेस के अंदर मटेरियल मेल्ट होता है कितना मेल्टिंग टेम्परेचर है इन मटेरियल्स का ठीक है ऐसे ही रोट आयरन रोट आयरन डिफरेंट स्टेप्स में मैनुफैक्चरिंग की जाती है स्टील्स स्टील्स आपके कार्बन का जो रेंज है उसमें आपको लाना पड़ता है पिग आयरन को स्क्रैप्स को और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करते हैं आप तो उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं आप कुछ एलिमेंट मिलाते हैं फ्लक्स ऐड करते हैं तो क्या करता है वो रिएक्ट करता है डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ और तो उसको सेलेग के फॉर्म में बना देता है और सिलेक्ट क्या होता है लो डेंस मटेरियल है जो कि लिक्विड मटेरियल के ऊपर तैरने लगता है तो आसानी से उसको स्लेग होल से आप बाहर निकाल लेते हैं ठीक है अब जो प्रोडक्ट बचा है बचता है वो आपका रिफाइन स्टील है ठीक है तो इस तरीके से डिफरेंट फेरस मटेरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं आप ठीक है ये डिफरेंट रेफरेंसेस फॉर दिस वीडियो ओके थैंक यू